मुंबई की कस्तूरबा पुलिस ने दो ऐसे फर्जी FSSAI अधिकारियों को गिरफ्तार किया है जो होटल, रेस्टोरेंट, मेडिकल शॉप, राशन की दुकानों पर जाकर चेकिंग करने के नाम पर ठगी का काम किया करते थे। कस्तूरबा पुलिस स्टेशन की हद में एक होटल पर इन फर्जी FSSAI अधिकारियों ने रेड डालकर जांच पड़ताल करना शुरू किया है, जिसके होटल मालिक को इनके व्यवहार पर शक हुआ, जिसके बाद होटल मालिक ने कस्तूरबा पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही कस्तूरबा पुलिस तत्काल होटल पर पहुंची और इन दोनों फर्जी FSSAI अधिकारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी धर्मेश शिंदे उम्र 25, वर्धन सालुंग की उम्र 28, दोनों कांदेवली के रहने वाले हैं। इनके पास से फर्जी FSSAI अधिकारियों का ID कार्ड और महाराष्ट्र सरकार का पेपर बोर्ड और भी बहुत सारी चीजें बरामद की गई है। इन फर्जी FSSAI अधिकारियों ने अब तक मुंबई के किन किन पुलिस स्टेशनों की हद में ऐसे वारदात को अंजाम दिया है, इसकी जांच कस्तूरबा पुलिस कर रही है। दो तोतया फूड सेफ्टी ऑफिसर को कस्तूरबा पुलिस स्टेशन जो है उन्होंने उसमें अटक किया है। इसमें 420 का IPC 420 467 से अनुसार इसमें गुना दाखिल किया गया है। दो आरोपियों को अटक की गई है। ये जो आरोपी है, ये जो किराना स्टोर्स है, होटल्स है, ड्राई फ्रूट मार्केट्स है, वहाँ पे जाके अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते थे फूड सेफ्टी ऑफिसर करके, और उसके बाद उनको डरा धमका के उनसे कुछ रुपया लेते थे। इस तरीके से उन्होंने लगभग, अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, उसे 70 से 80 लोगों को इन्होंने ऐसे ही ठगा है। इसमें 5 घंटे के अंदर हमारी जो टीम है, ACP पिंगड़े, सीनियर PI कस्तूरबा और API तोटावार और PSI राहुल, इनकी टीम ने इसमें बहुत अच्छे से काम करके, तांत्रिक विश्लेषण करके और 15 से 20 CCTV कैमरा जो है उनका पूरा अवलोकन करके इसमें इन्होंने ये ट्रैक किया, दो आरोपियों को अटक किया और उसके बाद ये अभी मामला जो है वो तहकीकात में है। आरोपियों का बैकग्राउंड क्या क्या, उनके ऊपर पहले भी इस तरह के कोई मामले दर्ज? इस बारे में अभी तहकीकात जारी है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।